अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने चिकन बिरयानी बनाई है, वो भी बहुत टेस्टी बनी है और फटाफट से बनी है। तो आप अगर बिगिनर्स है या फिर बैचलर्स है या फिर नौकरी पेशा है या फिर कामकाजी है तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो यहाँ पर चिकन बिरयानी बनाई है तो बहुत ही टेस्टी है। इसमें मैंने तेल वगैरह कुछ नहीं डाला है, विदाउट ऑयल के है। तो इसे मैंने कैसे बनाया तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया। यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन लिया है, तो यहाँ पर इसके पीसेस मैंने बड़े बड़े कट किए हैं। तो यहाँ पर देखिए लेग पीस और जो नरम वाले पीसेस है वो भी है, बड़े बड़े पीसेस हैं। तो यहाँ पर धोकर रख दिया है। अब यहाँ पर इसमें ना मसाला पीस के नहीं डालूंगी, जैसे आप मैंने जो बोला बिगिनर्स या बैचलर्स या फिर कामकाजी लोगों के लिए बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने साबुत मसाले लिए हैं। तो यहाँ पर लहसुन लिया है, उसका छिलका भी नहीं उतारा है। मतलब आप जैसे काम करके भी आ रहे हैं तो मतलब ऐसा झंझट वाला बिल्कुल काम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है, छिलका नहीं उतारा है। यहाँ पर खड़े मसाले मैंने कलमी, इलायची, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और बागियान का फूल डाला है, आधा डाला है मैंने। यहाँ पर इन सभी चीज़ों को अच्छे से कूट लेना है, ऐसे दर दरा सा कूटना है। तो यहाँ पर मैंने कूट दिया है, इस तरह से इसे कूटना है। एकदम महीन भी नहीं पीसा तो भी चलता है, बस इसका दर दरा सा पेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पीस दिया है इस तरह से। सारी चीज़ें अच्छे से कद्दूकस हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ये मसाला ना ये चिकन में डालेंगे, तो यहाँ पर डाल देंगे, इस तरह से डाल देना है। इसमें खड़े मसाले डालने के बाद में और अदरक लहसुन डालने के बाद में इसमें डाल देंगे पुदीना पत्ता, इसमें डाल देंगे 9-10 मिर्चें कूट कर डाली है, यहाँ पर डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे पिस्ता। तो यहाँ पर देखिए पिस्ता मैंने आधा किलो मटन लिया है ना, चिकन लिया है, तो उसके हिसाब से आधा किलो प्याज का मैंने पिस्ता बनाकर यहाँ पर डाल दिया है। इससे मसाला कम भी नहीं होगा, थोड़ा सा मैंने पिस्ता बचा के रख दिया गार्निश के लिए, मसाला कम भी नहीं होगा और अच्छे से अपनी बिरयानी बन जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने पपड़ी डाल दी है कद्दूकस करके, नमक डाल दिया है, मिर्ची पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच। हम थोड़ा सा तीखा खाते हैं ना ज़्यादा, इस वजह से। अब इसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच मलाई, दूध पर की फ्रेश मलाई। अगर आप तेल नहीं डाल रहे तो ये मलाई आप ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच डाली है, यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर 3 चम्मच डालने के बाद में अब इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पर सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स कर दी है। इसमें मैंने सभी चीज़ें कूट कर डाली है। बहुत ही आसानी है, फटाफट से बनने वाली रेसिपी है ये। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद में इसमें डाल देंगे 1 कटोरी दही। तो यहाँ पर दही डाल दिए मैंने, अब यहाँ पर मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। यहाँ पर सभी चीज़ें मिक्स होने के बाद में अब ये जो है पैन ना हम गैस पर रख देंगे। तो यहाँ पर मुझे जिस बर्तन में मुझे बिरयानी बनाना था ना उसी में मैंने मैरिनेट किया है। तो यहाँ पर इसे फुल आँच पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए मलाई धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। तो यहाँ पर मिक्स कर देंगे, लगातार चम्मच चलाते रहना है। अब यहाँ पर गैस पर पानी उबाल लेंगे और उसमें डाल देंगे चावल। यहाँ पर नमक डाल देंगे, इसमें डाल देंगे आधा नींबू, इसमें डाल देंगे 2 तेज़पत्ता, इसमें डाल देंगे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और कलमी का टुकड़ा। इसमें 2 से 3 बूंद ऑयल डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर पानी को उबाल आने के बाद में चावल डाल देंगे। चावल मैंने 2 ग्लास लिए थे, ये लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस है, इंडिया गेट लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस। इसका दाना दाना एक समान है। आप चाहे तो इसके जगह पे जो भी आप खाते हो वो चावल ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए चावल 70% पक चुके हैं। तो यहाँ पर चावलों को छान लेंगे और यहाँ पर अखनी देख लेंगे, यहाँ पर बहुत अच्छे से पक चुकी है अखनी। चिकन भी यहाँ पर बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अब कहेंगे कि ऑयल यहाँ पर कहाँ से आया, ऑयल तो हमने डाला ही नहीं, जो हमने मलाई डाली थी ना उसी से ये ऑयल निकला है, मतलब घी निकला है, तो उसी से हमने ये बिरयानी बनाई है। तो यहाँ पर देखिए अब डाल देंगे चावल, इसमें चावल इस पर फैला देंगे बहुत अच्छे से। चावलों को मैंने ठंडे पानी से धो लिया है। ये नींबू निकाल लेंगे,
यहाँ पर बहुत अच्छे से फैला देना है चावलों को। यहाँ पर चावलों को अच्छे से फैलाने के बाद में जो पिस्ता बचा के रखा था ना वो डाल देंगे ऊपर से। इसमें डाल देंगे हरा धनिया, पुदीना डाल देंगे ऊपर से। यहाँ पर डाल दिया है, हरा धनिया भी डाल देंगे। अब यहाँ पर फूड कलर डालेंगे, केवड़ा एसेंस भी डालेंगे। यहाँ पर मैंने पीला वाला कलर लिया है, आप चाहे तो जो मनपसंद कलर आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। केवड़ा एसेंस भी डालिएगा, इससे बहुत अच्छी टेस्टी लगती है बिरयानी। तो यहाँ पर हम जो चावल उबाले थे ना तो उस पानी को हम डाल देंगे, आधा गिलास पानी को डाल देंगे, चावल उबाले वाले पानी को डाल देंगे। तो आधा गिलास डाल देंगे, इससे जो भी कच्चापन है चावलों में या फिर चिकन में वो कच्चापन ख़त्म हो जाता है। चावल भी बहुत अच्छे से पक जाते हैं और चिकन भी बहुत अच्छे से कुक होता है और तले से लगती नहीं है, जलती नहीं है। आधी कटोरी तेल डाल दिया है, जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए थे ना वो तेल डाल देंगे आधी कटोरी। और लीड लगाकर इसे 2 मिनट ज़्यादा आँच पर पकाएंगे और फिर 2 मिनट के बाद में कम आँच करके इसे 10 मिनट तक पकाना है और आधा घंटा ऐसे रहने देना है। तो यहाँ पर आधे घंटे के बाद में बिरयानी हमारी देखिए रेडी हो चुकी है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बैचलर्स है, बिगनर्स है, या फिर कामकाजी है, या फिर नौकरी पेशा है, थक हार के आने के बाद में बिरयानी खाने का मन होता है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।